चुनाव में काफ़ी कम समय बच गया है, अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, क्या उम्मीद है, कितना चुनाव प्रचार चल रहा है? हमारा चुनाव प्रचार समझिए आज से नहीं बल्कि जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तब से चल रहा था, और हम चुनाव का दिन एक दिन बचा है या चार दिन बचा है अब मायने नहीं रखा, अब ये है कि हम जीत चुके हैं, बस उसका घोषणा होना बाकी है। लेकिन मुकाबला जो है बड़े बड़े नेताओं से है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी वर्तमान सांसद हैं, मथुरा महतो जी विधायक है इसी क्षेत्र से, कितना कड़ा मुकाबला है? हम तो मुकाबला कहीं कड़ा मान ही नहीं रहे हैं, ये लड़ाई माटी की है और माटी की लड़ाई को हम लोग जीतने जा रहे हैं, और पार्टियां इसमें हारने जा रही है यह सुनिश्चित कर चुकी है जनता। और आप जहां भी जाएंगे पूरे ग्रीड लोकसभा में आप पाएंगे कि चारों तरफ सिर्फ जयराम ही जयराम नजर आ रहा है, बाकी कोई पार्टियों का कहीं कोई लहर तक भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। बाकी दोनों उम्मीदवार जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो भी तो इसी माटी से हैं। निश्चित तौर पर माटी से है, लेकिन उन्होंने माटी का कर्ज अदा करना ही भूल गया, वो खा के उन्होंने उसका क्या कहिए गुणगान करना ही भूल गए हैं, कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि इस माटी से हैं। नहीं कहते हैं कि हमारे देश के ही लोग कुछ अंग्रेज नीति को अपना रहे हैं, तो समझे कुछ उसी तरह की स्थिति यहाँ भी है कि हमारे नेता यहाँ के स्थानीय होते हुए भी स्थानीयता के सवाल पर मौन रह जाते हैं, जब विपक्ष की भूमिका में उनको होना चाहिए था वो भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी कोई भूमिका होती है। ठीक है, एक बड़ा प्रमुख बड़ा सवाल है, यह सांसद पद का चुनाव है और इसके द्वारा यह अभी तय होना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी दो बड़े चेहरे एनडीए ने तो घोषित कर दिया कि नरेंद्र मोदी मेरे तरफ से हैं, इंडिया गठबंधन ने घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। अगर जयराम महतो चुनाव जीत जाते हैं, गिरिडीह से सांसद बन जाते हैं, तो फिर दिल्ली में किसका किसे सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि हम उस लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अब इस चुनाव में आ रहे हैं, और हम किसी भी सत्ता पक्ष के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि हम जनता के आवाज़ को वहाँ बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। हम आशु पार्टी नहीं है कि सत्ता का मलाई चखने जा रहे हैं, हम सीधी सी बात बताते हैं कि हम जनता की आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करने जा रहे हैं, और हम जैसे भी हों हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और हम जनता के सवालों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। नहीं, फिर भी एक स्थिति कभी कभी बन जाती है ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, आपको याद होगा उसमें, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, या आप इधर जाइएगा या उधर जाइएगा। लोकतंत्र को बचाने की स्थिति में जो भी उचित कदम होगा वह परिस्थितिक जन्य उठाया जाएगा, लेकिन उसका अभी हम कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, अभी हम यही कहना चाहेंगे कि हम जनता के आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोकसभा में जाना चाहते हैं, क्योंकि 14 सीटों से जो भी सांसद अभी तक चुन गए हैं, आपका सांसद कैसा हो, चौदह सीटों से जीत करके अभी तक जितने भी सांसद गए हैं किसी ने भी झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर आवाज़ बुलंद करने का काम नहीं किया। आप देखे होंगे कि सिर्फ वे अपनी पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी तो पूरा करते, छोड़ दीजिए झारखंड और झारखंडियत का सवाल, अभी बीजेपी कह रही थी कि हम काला धन दिलाएंगे, हमारा सादा धन नहीं दिला पा रही जो सारे इंडिया में डूब गया, ये नौबत है, एक भी सांसद ने नहीं कहा, छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष को, विपक्ष ने भी उसकी भूमिका नहीं अदा की, विपक्ष के मुँह से भी नहीं निकला कि झारखंड और हिंदुस्तान के 13 करोड़ लोगों का पैसा डूबा हुआ है उसको कैसे दिलाना है, इस पर सवाल तक नहीं पूछ पाए, मात्र एक बिहार के सांसद थे जिन्होंने सवाल पूछा था, ये बड़ा दुर्भाग्य है जी लोकतंत्र में। मैं कहता हूँ कि इसीलिए कहता हूँ कि टाइगर जयराम महतो जैसे लोगों को जाना चाहिए जिनको पता है कि जनता का दुख क्या होता है, क्योंकि वो नीचे ग्रास रूट लेवल से उठ करके यहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप आंदोलन में कब से साथी हैं जयराम महतो के? शुरुआती दौर से, हम लोगों ने जब से 2021 से आंदोलन शुरू किया है तब से मैं टाइगर जयराम महतो के साथ इस आंदोलन में सहभागी हूँ और एक आम कार्यकर्ता की तरह उनके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कई पुराने साथी जो है ना वो आंदोलन में जो थे कहीं ना कहीं छूट गए हैं, उसकी क्या बड़ी वजह लगती है? और कहीं ना कहीं नाराज़ भी है लोग, हम लोग कुछ लोगों से मिले जो आंदोलन के शुरुआती दौर में तो प्रमुख चेहरा थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है वो बिखर गए हैं। जी, इसका एकमात्र कारण है महत्वाकांक्षा, बस और कोई दूसरा कारण नहीं है। अति महत्वाकांक्षी होना सही नहीं है, राजहित में हमको कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी क्षेत्र से हूँ
और अगर वहाँ 4-5 लोग हैं तो निश्चित तौर पर कि किसी एक व्यक्ति को ही वरीयता दी जा सकती है। तब टाइगर जयराम मा तो मान लीजिए उतने बड़े आंदोलन में उभर करके अगर सबसे प्रमुख चेहरा आए तो स्वाभाविक है कि वो सर्वमान्य नेता हैं आज की तारीख में। अब सभी को तो सर्वमान्य नेता नहीं बनाया जा सकता, हाँ सहभागी हैं जो लोग हैं। आज अधिकांश संख्या में आप देखिएगा तो हैं, कुछ एक संख्या को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का लोगों को अगर हम छोड़ दें, मैं समझ रहा हूँ कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें, उनकी महत्वाकांक्षा को अगर हम दरकिनार करें तो आप देखेंगे कि 98-99% लोग हमारे साथ हैं जो शुरुआती दौर से आंदोलन में थे। 1-2% लोग वो तो अपवाद बड़ी बड़ी पार्टियों में, तो जो कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके भी लोग बहुत लोग अभी देखिए जेपी पटेल छोड़ के चले गए कांग्रेस में, तो क्या कहिएगा उतनी बड़ी पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे हम तो अभी उपजता हुआ बने पौधा है, हमारे बीच तो होता ही है कि जब पौधा कुछ बीज रोपते हैं तो धूप थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पड़ता है तो कुछ लोग कुमला जाते हैं, तो वो लोग कुमला गए अलग बात है, लेकिन जो उसी में मजबूत होकर के उभर कर सामने आ रहे हैं तो आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे चेहरे उसके बाद भी जो छोड़ के गए उनके बाद भी बहुत सारे नए चेहरे आए और उन्होंने अपना पहचान बनाया। जाके देखिए संजय मेहता कैसे दहाड़ रहे हैं हजारीबाग में, जाके देखिए देवेंद्रनाथ महतो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनकी हवा कैसे चल रही है रांची में। तो निश्चित तौर पर हम कोल्हान से लेकर के दुमका तक में अपनी बने धमक छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन की जीत है और कुछ लोग आते जाते रहेंगे। राजनीति है, लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, उसकी परवाह करने से नहीं चलेगा। हमको परवाह राजहित की करना है, झारखंड और झारखंडियत की करना है। और जो साथी लोग छूट गए हैं वो लोग विधानसभा का चुनाव आते आते सभी लोग जयराम महतो के साथ होंगे। ये जो 8 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं सभी साथी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सभी बिछड़े साथी लोग हम लोग के साथ होंगे, जे बी केसेस के साथ होंगे और अच्छा